कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज जो आ रही हैं वो खास तौर से खाद्य तेल के मार्केट से आ रही हैं। बजट के बाद घरेलू खाद्य तेल जो उद्योग है वो इस वक्त काफी ज्यादा संकट में है। लगातार बढ़ते विदेशी तेलों के भंडार से घरेलू तेल उद्योग अब संकट में है और अंतिम सांसें गिन रहे हैं। और घरेलू उद्योग को यहां तक पहुंचाने में केंद्र सरकार के साथ तेल संगठन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कोविड से चलते 21 में घरेलू तेल की मांग बढ़ी और किसानों ने उत्पादन लगभग 1.25 कर दिया। सरसों उत्पादन जो 3 साल पहले तक 80 से 85 लाख टन होता था वो 24 में 130 से ज्यादा हो गया। सोयाबीन 100 से बढ़कर 190 से लेकर 120 लाख टन तक पहुंच गया। हर साल समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया लेकिन किसानों को वो मूल्य मिला ही नहीं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में खाद्य तेल का आयात 26% तक बढ़ गया क्योंकि मलेशिया बाजार सस्ता था और भारतीय व्यापारी ड्यूटी बढ़ने से आशंकित थे। सरकार ने ड्यूटी की चर्चा तक नहीं करी। बंदरगाहों पर सोया सीपीओ के भंडार भरे हैं। लोकल तेलों को जीवित रहने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। सरकार तेलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है लेकिन उसके सलाहकार ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब तक विदेशी तेलों का आयात बढ़ता रहेगा तो घरेलू खाद्य तेल कहाँ से खपेंगे और जब नहीं खपेंगे तो किसानों को भाव कैसे मिलेगा जो मिलना चाहिए। और देखा जाए तो इसके चलते आने वाले टाइम में सरसों सोयाबीन की खेती भी किसान क्यों ही करेंगे। दरअसल ये विदेशी साजिश है और जिसमें कुछ घरेलू लोग भी शामिल हैं जो लालचवश फार्म को प्रमोट कर रहे हैं और विदेशी तेलों के उत्पादन घरेलू मीडिया को विज्ञापन का लालच देकर भारतीय बाजार में अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। और सरकार महंगाई के नाम पर आंखें मूंद कर बैठी है। जैसे देश में सूरजमुखी और मूंगफली की खेती सिमट गई है वैसे ही आने वाले टाइम में सरसों सोयाबीन की फसल भी और उसकी खेती भी सिमट जाएगी। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।